सिवान का अनोखा रेलवे फाटक ट्रेन रोककर रेलवे कर्मी बंद करता है गेट। मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। सिवान मशरक रेलखंड में रगड़गंज ढाला के पास स्थित एक रेलवे फाटक पर ट्रेन आने और जाने के दौरान रेल पायलट या कर्मचारी खुद से उतरकर गेट बंद करता है और खोलता है। कई बार बिना फाटक बंद किए ही पायलट गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है। जहां पर कोई गेटमैन नहीं है, ट्रेन के आने और जाने के समय चालक या कर्मचारी को गाड़ी से उतरकर खुद से फाटक बंद करना होता है और गाड़ी आगे बढ़ने के बाद वापस आकर फाटक खोलना पड़ता है। ये रेलवे फाटक सिवान मशरक रेलखंड पर स्थित रगड़गंज ढाला के पास है। सिवान का अनोखा रेलवे फाटक सिवान मशरक रेलखंड स्थित महाराजगंज रगड़गंज ढाला है, जहां फाटक को गिराने के लिए ट्रेन को पहले रोकना पड़ता है, फिर उसमें से रेलवे कर्मचारी उतरता है और फाटक को बंद करता है। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है। कभी कभी बिना फाटक बंद किए ही ट्रेन क्रॉस कर जाती है। रगड़गंज ढाला के नजदीक रहने वाले कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सिलसिला विगत कुछ वर्षों से चल रहा है। कई बार फाटक बंद किए बिना गुजरती है ट्रेन। लोगों ने बताया कि इतना ही नहीं, कभी कभी तो बिना फाटक गिराए ही ट्रेन क्रॉस हो जाती है। अगर किसी दिन घटना घटित हो जाए तो आखिर किसका जिम्मेदार कौन होगा? ट्रेन आने पर फाटक के कुछ दूर पहले ही ट्रेन को रोक दिया जाता है और जैसे ही कर्मचारी फाटक गिराकर रेल पायलट को इशारा करता है तो ट्रेन आगे बढ़ती है। वहीं ट्रेन जब रगड़गंज फाटक क्रॉस करती है तो फिर कर्मचारी नीचे उतरता है और रेल पायलट को इशारा करता है और फिर ट्रेन में चढ़ जाता है, तब ट्रेन आगे बढ़ती है। वाराणसी रेलवे के अधिकारी ने बताया पूरे मामले को लेकर, जब वाराणसी रेलवे विभाग के जनसंपर्क पदाधिकारी अशोक कुमार से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि इसे सिंगल ट्रेन सिस्टम कहते हैं, यह जो भी होता है नियम संगत ही होता है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ नियम है कि ट्रेन को रोककर संपार्ट फाटक को बंद किया जाएगा। वहीं गोरखपुर रेलवे सीनियर सेक्शन इंजीनियर उपेंद्र सिंह ने बताया कि महाराजगंज मशरक रेलवे खंड पर कोई भी क्रॉसिंग स्टेशन नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। इसी वजह से ट्रेन को रोककर ही फाटक गिराया जाता है, लेकिन ये समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें हापुड़ हलचल।